नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विथ हीट रिजर्वायर, दैट मीन्स ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। तो देखिए, ये टॉपिक पढ़ने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, दो सिस्टम से ए एंड ए प्राइम, जिसमें ए प्राइम जो है हमारा वो बहुत बड़ा है ई के कंपैरिजन में। तो उसमें केस में ऐसा होगा हीट रिजर्वायर के केस में कि जब हम लोग ए से ए प्राइम के अंदर हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहे हैं ए से ए प्राइम में, तो ए प्राइम का जो ताप है हमारा वो चेंज नहीं होगा। तो उस केस में जो ए प्राइम होगा हमारा, जब ए प्राइम का ताप चेंज नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग हीट रिजर्वायर। तो अब देखिए, इसे पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये माना कि ए जो सिस्टम है हमारा, उसकी वो जब आईथ स्टेट में है, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी ई आई। तो ई प्राइम स्टेट की, वो ए प्राइम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई प्राइम इक्वल्स टू ई स्टार माइनस ई आई के इक्वल। तो देखिए, हमारी एक्सेसिबल स्टेट्स कौन सी होगी, मतलब अभिगम्य अवस्थाएँ कौन सी होगी। हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि जो इसकी ए है उसकी एनर्जी तो ई आई होगी, दैट मीन्स अभिगम्य अवस्थाओं के लिए, मतलब एसेसिबल स्टेट्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि ई प्राइम, वो ए प्राइम वाला जो सिस्टम है उसकी एनर्जी हमेशा हमारी ई प्राइम के इक्वल होगी, राइट। दैट मीन्स ए प्राइम जो सिस्टम है हमारा, उसकी एनर्जी हमेशा ई प्राइम के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स का जाएगी ओमेगा प्राइम ई प्राइम। अब देखिए, हम लोगों के पास नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स आ गई है, तो जो एक्सेसिबल स्टेट्स होती है, दैट मीन्स अभिगम्य अवस्था होती है, उन सब अभिगम्य अवस्थाओं की प्रोबेबिलिटी सेम होती है इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी वाले प्रिंसिपल के बेसिस पे। इसलिए जो पीआई होगा हमारा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा प्राइम ई प्राइम के, राइट। तो पीआई हमारे पास हो जाएगा सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई प्राइम। अब ई प्राइम की जगह हम लोग लिख सकते हैं ई स्टार माइनस ई आई के इक्वल, तो सी प्राइम ई ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई के इक्वल। अब देखिए, क्योंकि हमारा ए जो है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए ई आई जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा ई स्टार से, और ई आई प्राइम जो होगा, सो ई प्राइम जो होगा हमारे पास ई स्टार के इक्वल होगा। इसलिए जब हम लोग ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई का लॉग लेंगे और उसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे ई प्राइम इक्वल्स टू ई प्राइम सिमिलर टू ई स्टार के लिए, तब हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई जो होगा एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस टेल ओवर डेली प्राइम एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार ई आई प्लस डॉट डॉट, इस तरीके का कुछ आएगा, राइट। अब देखिए, क्योंकि हमारा ए प्राइम जो है वो हीट रिजर्वायर है, ऊष्मा भंडार है, इसलिए जो ई आई है हमारा वो बहुत ही कम होगा, ई आई बहुत ही कम होगा। इसलिए ई आई के जो होती है हायर टर्म्स, उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। उस केस में हमारे पास ये आ जाएगा एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई के इक्वल। तो देखिए, एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा माइनस, सॉरी, एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई जो होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस टेल ओवर डेली प्राइम एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार ई आई के इक्वल। अब देखिए, हम लोगों को पता है ये वाला जो टर्म है वो बीटा होता है, डेफिनेशन ऑफ बीटा के बेसिस पे, राइट। इसलिए हम लोग इसकी जगह पे बीटा लिख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई इक्वल्स टू एल एन ऑफ ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस टेल, सॉरी, बीटा ई आई। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्राइम इक्वल ई स्टार माइनस ई आई इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम ई स्टार ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई आई। अब देखिए, ये वाली टर्म है हमारी, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशन थी ऊपर वाली, प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन थी ना हमारी पी आई जो है वो सी आई सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई स्टार माइनस ई आई के इक्वल होगा। इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आई जो हो जाएगा वो सी सी प्राइम ओमेगा प्राइम ई स्टार ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई के इक्वल आएगा। तो पी आई हो जाएगा सी ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई के इक्वल। तो देखिए, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आगे आपकी बहुत सी जगह पे काम आएगी। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रायिकता वितरक फलन, और इसको हम लोग कैनोनिकल फंक्शन भी बोलते हैं। उसके अंदर ये जो ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई वाला फैक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो देखिए, बोल्ट्जमैन गुणक, अब देखिए इससे हम लोग जो कैनोनिकल एंसेंबल है वो निकालते हैं। तो कैनोनिकल एंसेंबल वो एंसेंबल होते हैं जो कि हीट रिजर्वायर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, जैसे कि ए वाला था ए प्राइम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ऊष्मीय साम्यावस्था में हो, साथ के साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सेसिबल स्टेट्स का वो पी आई सी ई रेस्ट पी आई इक्वल्स टू सी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई रेस्ट सॉरी माइनस बीटा ई आई से होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे वाले सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे वाले एंसेंबल्स को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल एंसेंबल्स, दैट मीन्स विहित समुच्चय।
अब देखिए हमारे पास पीआई आ चुका है, तो हम लोगों को सी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि समेशन ऑफ आई पीआई जो होगा हमारे पास वो इक्वल टू वन होगा, क्योंकि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा एक के इक्वल होता है। तो समेशन ऑफ आई सी ई रेज़ टू माइनस बीटा ई आई जो होगा हमारे पास एक के इक्वल होगा, तो सी हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन समेशन ऑफ आई ई रेज़ टू माइनस बीटा ई आई के इक्वल। तो देखिए इससे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी पीआई वो जाएगी ई रेज़ टू माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ आई ई रेज़ टू माइनस बीटा ई के इक्वल। तो हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब देखिए हम लोगों को किसी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ आई पी आई वाई आई के इक्वल। तो हो जाएगा समेशन ओवर आई वाई आई इरेस्ट पर माइनस बीटा ई अपॉन समेशन ओवर आई इरेस्ट पर माइनस बीटा ई आई के इक्वल। ये है होता है हमारा एवरेज निकालने का, किसी भी क्वांटिटी का हम लोग को एवरेज निकालना होता है। तो अब देखिए आज के लिए मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। आज के लिए आपके क्वेश्चन है कैनोनिकल एनसेंबल, मतलब वीर समुच्चय से आप क्या समझते हैं, और दूसरा यदि आपको एनर्जी का एवरेज निकालना हो कैनोनिकल एनसेंबल में तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। आप ये दोनों चीज़ें आपके क्वेश्चन क्वेश्चन बुक आंसर बुक में करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।